चाइनीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ऑर्गन के अंदर 2 आवर के लिए ची एनर्जी मौजूद होती है और नेक्स्ट 2 आवर्स के बाद वो एनर्जी दूसरे ऑर्गन में चेंज हो जाती है, तो इसको ऑर्गेनिक क्लॉक कहते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बॉडी ऑर्गेनिक क्लॉक अकॉर्डिंग टू चाइनीज, तो वो आपको फिलॉसफी आ जाएगी। इनका कहना ये है, और ये बात सही भी है, कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर एनर्जी रहती है, मगर ज़्यादा एनर्जी 2 घंटे के लिए रहती है और फिर वो बदल जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जो है रात में काम करते हैं और जो है दिन में सोते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं इसके वजह से, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितना भी आप कमाते हो ये सारा जो है फिर अपनी बीमारी को इलाज करने में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि कभी भी नेचर के अगेंस्ट जाके हम हेल्थी नहीं रह सकते। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हमने दिन दिया ताकि तुम जो है मेहनत करो और रात दी ताकि तुम आराम करो। तो ये ऑर्गेनिक क्लॉक समझाता है कि कौन से टाइम पे उठना है और हर ऑर्गन का क्या टाइमिंग है। जैसे कि लिवर का जो टाइमिंग है वो 1 AM से लेके 3 AM यानी सुबह के 1 से 3 के दरमियान में रहता है। इसके अंदर लिवर जो है टॉक्सिसिटी को निकालने का काम करता है। जो भी जो है जंक फूड खा के या शराब पी के या जितने भी जो है गंदी चीज़ें खा के लिवर को जो है ख़राब करके रहते हैं, अगर हम सोते भी रहें तो ये जो है 2 आवर्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उसके बाद 3 AM से लेके 5 AM तक लंग्स का जो है टाइम रहता है, जिसके अंदर ज़्यादा जो है लंग्स के अंदर ची एनर्जी मौजूद रहती है। तो इसके अंदर जो है लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने की वजह से कुछ लोगों को जो है इस वक्त में खांसी आके जो बलगम वगैरह निकालने का, अब बहुत सारे लोग होंगे जो सिगरेट पीते होंगे तो उनको पता होगा कि ये टाइमिंग में उनको खांसी आएगी और कॉफ होने के बाद में बलगम स्प्यूटम सब निकलेगा, क्योंकि वो उस वक्त में वॉश आउट का काम करता है। इस वक्त में जो है अगर कोई उठते हैं और फिर जो है सांस वगैरह ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा कि टॉक्सिसिटी जो है बाहर निकालने का। उसके बाद 5 AM से लेकर 7 AM तक जो है लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। इसके अंदर जितनी भी गंदगी जो है खा के पड़ा हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर वो सारे जो है साफ हो जाता है। अगर हम 5 to 7 के दरमियान में टॉयलेट को जाते हैं, वॉशरूम को जाते हैं और जो है हमारा जो है गंदगी साफ हो जाता है, निकल जाता है, तो तकरीबन सारी टॉक्सिसिटी जो है बाहर निकल जाती है। अगर वही दूसरे टाइम में जाएंगे तो उतनी टॉक्सिसिटी पेट से बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरीके से 7 AM तो लेके 9 AM का जो दरमियान का जो टाइम है वो स्टमक का टाइम होता है। इसके अंदर ब्रेकफास्ट करना है, फ्रूट्स खाएं, प्रोटीन खाएं और जो है हेल्थी जो है फैट खाएं, विटामिन्स खाएं। ये टाइम पे जो है आप कुछ भी खा लो 7 to 9 AM में ये बेहतरीन डाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें हमें खाना चाहिए। और इसमें अगर कोई चाय पीता है तो ये नुकसान करने वाली चीज़ है। इसमें कभी भी सुबह में उठते ही चाय नहीं पीना चाहिए, ये नुकसान करने वाली चीज़ है। इसी तरीके से 9 AM टू 11 AM का जो टाइम होता है वो स्प्लीन का टाइम होता है, और जो स्प्लीन ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसन्स मेंटल हेल्थ के ऊपर और मेटाबॉलिज्म के ऊपर और न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से 11 AM टू 1 PM जो है हार्ट का टाइम होता है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है हार्ट के मतलब जिन लोगों को आप मिलना है, करना है, आपके जो है कन्वर्जेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें इस टाइम में आप कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करना, बात करना आपकी सोशल सर्विस में, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन बैलेंस और हार्ट को ताकत का टाइम होता है। अगर कोई बंदा डायरेक्टली 1 बजे उठता है सो के, तो जाहिर सी बात है उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसी तरीके से 1 PM टू 3 PM जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो है डाइजेशन इश्यूज को ठीक करता है। इसी तरीके से 3 AM टू जो 5 AM जो होता है वो ब्लैडर का जो है टाइम होता है। इसके अंदर जो है आप चाय पी सकते हैं, दूध की चाय नहीं, नॉर्मल चाय, चाय पी सकते हैं, और अच्छे जो है मतलब जो भी आप पानी पीना है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है तो आप जितना भी पीना है पीजिए 3 to 5 के दरमियान। इसी वजह से जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, किडनी स्टोन के जो पेशेंट होते हैं, ये टाइम पे अगर दवा भी खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हम भी जो है अपने हॉस्पिटल में जो मेडिसिन देते हैं किडनी फेल के पेशेंट को, तो यही टाइम पर हम देते हैं, इवनिंग में भी हम देते हैं, ताकि वो टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाए।
7 AM टू जो 9 PM जो होता है वो पेरिकार्डियम का टाइम होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन को ताकत। इसी तरीके से थायराइड और एड्रेनल का जो टाइम होता है वो 9 AM टू 11 AM। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे गॉल ब्लैडर का जो टाइम होता है वो 11 AM टू 1 PM, यानी इस टाइम पे क्या होता है, जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा इस वक्त में उनको पेन भी होगा। तो ये ऑर्गेनिक क्लॉक है, इजी समझने के लिए मैंने आपको बहुत फास्ट तरीके से बोला। डिटेल से पढ़ने के लिए आप गूगल पे सर्च करें कि जो है ऑर्गेनिक क्लॉक अकॉर्डिंग टू चाइनीज थेरापिस्ट, आपको बिल्कुल क्लियर चार्ट मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को इंशाल्लाह ताला रखें। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जाके रात में जाके दिन में जो है सो के कभी भी हेल्थी नहीं रह सकते। और एंटी कैंसर से बचना है, मतलब जो है कैंसर से बचना है, हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन अगर फॉर्म होना है तो रात में सोना है, डिप्रेशन से बचना है तो रात में सोना है। अगर हमारे मर्दों को हमारे बहुत सारे जो है प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से, मेलाटोनिन सेरोटोनिन की कमी की वजह से, और बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरॉन की जो कमी होती है, ये सारे जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं वो रात में जागने और दिन में सोने की वजह से होते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इससे और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो और इसके बारे में आप पढ़ें।